2009 हमने UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर रखी है। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और हमने अपनी लास्ट वीडियोस में टीचिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग है, और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ टीचिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, और वो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स या वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, कि जो हमारी टीचिंग होती है वहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ आधारभूत आवश्यकता होती है, जिसके बिना हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है यानी कि शिक्षण प्रक्रिया, वो पूरी नहीं हो सकती। तो उसी के लिए हमें कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और वो हमारी नेसेसिटी होती हैं, प्री रिक्विजिट होती हैं, तभी हमारी टीचिंग जो है वो आगे हो पाती है। तो वहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं, अभी इस बार नेट में इसको हमने नया नाम दे दिया कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, पहले होता था वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल आते हैं आपके जो टीचिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो पहला वेरिएबल है हमारा, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन्स आपका स्वतंत्र चर। अब स्वतंत्र चर कौन होता है? फ्रीली जो आपका टीचर ही तो पढ़ा सकता है आपको, आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे टीचर क्या हो गया हमारा? स्वतंत्र हो गया। सारा जो भी हमारा सिलेबस होता है, जो पाठ्य वस्तु होती है, जो भी शिक्षण विधियाँ होती हैं, या जो हमारा मूल्यांकन होता है, वो सारा का सारा उसका किसका कंट्रोल रहता है? यहाँ पे टीचर का कंट्रोल रहता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या होता है? आश्रित, जिसके ऊपर निर्भर करते हैं। कौन निर्भर करता है? शिक्षण प्रक्रिया में एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक जो अधिगम करता है, शिक्षार्थी है, वही तो हमारा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे जो टीचर के ऊपर आश्रित रहता है। तीसरा जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन दोनों के बीच में चलती हैं, यानी कि यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो होता ही है, साथ में इंटरवीनिंग जो हस्तक्षेप करता है बीच में, मतलब कि आप उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों रूप से ले सकते हो। कई बार हस्तक्षेप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और कई बार आपका नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में क्या हो गया? आपकी जो पाठ्य वस्तु है, आपका विषय वस्तु है, या आपकी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण नीतियां हैं, मूल्यांकन है, ये सारी की सारी या शिक्षण व्यूहरचना है, जैसे कि जो शिक्षण करवाने के लिए जो टीचर नीति बनाता है, वो सारी की सारी इसमें आती हैं। और अगर इसी का नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, जो कई बार बाधा बन जाता है, वो जैसे कि आपका नॉइज है, पीछे आप पढ़ा रहे हो, पीछे आपका शोर चल रहा है, जो कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया में एज अ रुकावट, एज अ बाधा, बैरियर्स का काम करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है डॉक्टर का। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपका डॉक्टर यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया ना, वो डायग्नोज करेगा। आप जाओगे एज अ पेशेंट, एज अ रोगी उसके पास जाओगे, तो आपकी बीमारी का वो कारण बताएगा, आपसे पूछ सकता है, आपका टेम्परेचर चेक कर सकता है, कि भाई आप डायग्नोज करता है वो सबसे पहले, कि भाई आपको है दिक्कत क्या है। उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि हम शिक्षार्थी को पढ़ाते हैं ना, वो भी इसी तरीके से रोगी का ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद फॉलोअप्स लेता है। तो नेक्स्ट हमारा है जो कि राजनीतिक वातावरण है, यानी कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो भी शिक्षण प्रक्रिया को बहुत हद तक अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इसमें कौन कौन सा है हमारा? जो भी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी शिक्षण संस्था में जो आपका वातावरण होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब वातावरण भी अलग अलग तरीके का होता है। पहला जो है हमारा वो है ऑटोक्रेसी एनवायरनमेंट, इट मींस एक तंत्र, जैसे कि पहले होता था ना, मतलब तानाशाह या एक का ही राज होता है। यहाँ पे शिक्षक आधारित विधियों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये होता है टीचर ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। सिर्फ शिक्षक की सुनते जाओ, अपना कुछ नहीं बोलना, आपने जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आपको उसी पे ही फोकस करना है। यहाँ पे लिसनर जो होता है, या जो हमारा
लर्नर होता है या स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। जो दूसरा वातावरण है डेमोक्रेसी, इट मीन्स लोकतंत्र। जैसे हम हमारे प्रशासन में, हमारी पॉलिटी में बात करते हैं लोकतंत्र की, कि यहाँ पे जो हमारी सरकार आती है वो प्रतिनिधित्व होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको जनता ही चुनती है और जनता के लिए ही चुना जाता है और जनता के द्वारा ही चुना जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा डेमोक्रेसी एनवायरनमेंट है इंस्टीट्यूट का, वो क्या दिखाता है कि यहाँ पे जो टीचर है और स्टूडेंट है दोनों का एक्टिव रोल प्ले होता है। इट मीन्स आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, साथ साथ आप ये भी चेकआउट कर रहा है कि आप उसकी कही गई बातों को सुन रहे हो ध्यान से या नहीं सुन रहे हो। बीच बीच में क्वेश्चनिंग के थ्रू आपसे पूछता रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है उसका पार्टिसिपेशन भी एक्टिवली होता है। तो तीसरा है लेजियाज फेयर। यहाँ पे मतलब कि लेजियाज फेयर होता है हस्तक्षेप रहित, पूरी तरीके से फ्रीली हो आप। यहाँ पे टीचिंग का ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, टीचर आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप क्या होते हो, सिर्फ एक फ्रेंड एज अ फ्रेंडली आपके साथ बिहेव करेगा, वो एक मित्र के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। चलना तो एक शिक्षार्थी को ही होता है, तो यहाँ पे उसका कोई किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो एज अ फ्रेंडली ट्रीट करता है। एंड आफ्टर दैट हम करेंगे फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स, कि ये जो चर हमने अभी बात की हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में जो चर होते हैं उनके कुछ काम भी होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहला चर हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक। जैसे मैंने ऊपर डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि जो ऐसे ही अगर इसी को हम शिक्षण प्रोसेस में अगर इसी को इम्प्लीमेंट करें, इसी एग्जाम्पल को, तो टीचर करता क्या है बेसिकली कि जो बच्चे हैं उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मतलब कारण पता करता है, निदानात्मक डायग्नोस पता करता है कि बच्चे के अंदर क्या कमजोरी है, कहाँ पे वो वीक है, क्या चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है। तो दूसरा है प्रेस्क्रिप्टिव। जैसे डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन देता है, आपको मतलब कि दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है कि आप अगर आपको फीवर है तो आप ये वाली टैबलेट्स ले सकते हो, ऐसे ही हमारा जो टीचर है वो प्रेस्क्राइब करता है, प्रेस्क्रिप्शन करता है या ट्रीटमेंट करता है बच्चे की कमजोरियों का पता लगाकर उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। वो आपका उसके लिए वो टीचिंग मेथड्स भी डिफरेंट यूज़ कर सकता है या नई नई टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है। तीसरा जो था हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया, कि आपने एज अ टीचर पहले आपने पता लगाया कि छात्र के अंदर क्या कमी है, कहाँ पे कमजोरी है, उसकी वीकनेस क्या है। दूसरा, आपने वीकनेस को दूर कर दिया अपने लेवल पे जाके, आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने माहौल तैयार करके उसको इस तरीके से पढ़ाया कि आपको लगता है कि अभी उसकी वो वाली वीकनेस जो है वो दूर हो गई है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई बच्चा जहाँ पे वीक था, जिस सब्जेक्ट में वीक था, कि उसका सुधार उसमें हुआ या नहीं हुआ, उसका जो बिहेवियर है उसमें वांछित दिशा में, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, वो कब पता चलता है, वो पता चलता है हमारा मूल्यांकन क्रिया के द्वारा। यहाँ पे टीचर क्या करता है कि आपने जो डायग्नोज किया, आपने जो ट्रीटमेंट किया, बच्चे की कमियों को दूर किया, उनको किस हद तक बच्चा दूर कर पाया, वो आप मूल्यांकन क्रिया के द्वारा इस चीज़ का आप पता लगाते हो। इसके लिए जो टीचर है वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का यूज़ करता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।